हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे पेटोन एयरबड्स हैं आप देख सकते हैं, तो इसका आप कैसे पेयर कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस कार से शो हो रहे हैं। तो हम स्वाइप करके अपने ऑल आइकन्स ओपन कर लेंगे। तो जो हमारे ऑल आइकन्स ओपन आते हैं इसमें से, तो इसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पर। सेटिंग्स पर क्लिक करते ही जो हमारे फ़ोन की सेटिंग्स है इस प्रकार से हमारे फ़ोन ओपन आएगी, देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है ब्लूटूथ ऑप्शन, तो हमें ब्लूटूथ ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो हमारी ब्लूटूथ एंड डिवाइस सेटिंग्स से ओपन जाएगी, फिर हम ब्लूटूथ पर क्लिक कर देना है। तो अपने ब्लूटूथ का हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते ही देख सकते हैं कि जो हमारे ब्लूटूथ है हमारे फ़ोन में ऑन जाएंगे। तो जो हमारे पेटोन एयरबड्स के नेटवर्क हैं, तो हम पहले इनमें से एक एयरबड्स निकाल लेते हैं, देख सकते हैं। तो हमने निकाल लिया है, तो इसको हम साइड पर रख देंगे। तो ये हमारा पहले से ही ऑन है। तो पेयर न्यू डिवाइस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इसके नेटवर्क आ जाएंगे, तो आप इसको पेयर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे नेटवर्क आ चुके हैं पेटोन TWS के नाम से। तो आपको इसको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते हैं हमारे फ़ोन ये पेयर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में पेयरिंग चल रही है। तो देख सकते हैं हमारे फ़ोन ऑटोमेटिकली ये पेयर हो चुके हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं म्यूज़िक वगैरह में, और साथ में इसमें सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, और कॉलिंग वगैरह पिक करके उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ़ोन की साइड में जाकर पेटोन एयरबड्स को हम पेयर कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।